अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी रेसिपी काले मसूर दाल की, कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने 1 कप काले मसूर की दाल ली है, जिसे मैंने 2-3 पानी में वॉश करने के बाद अराउंड 2 घंटे के लिए मैंने इन्हें भिगोया था। ये देखें, ये देसी दाल है। और इसके साथ बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर। अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लें। और साथ में हमारे पास जाएगा जी 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 हरी मिर्चें, कुछ लहसुन के जवे और 1 टुकड़ा अदरक का। इन सब 5 चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड करके इनकी प्यूरी बनाऊंगी और फिर हमारी दाल में ऐड करूंगी। तो चले मैं इसकी प्यूरी बनाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ले जी, मैं दाल जो है वो प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाल दी है और ये जो हमारी नमक मिर्च और हल्दी है, अब मैं इसे ऐड करूंगी। आप नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ये जो मैंने पेस्ट बनाई है प्यूरी, ये देखें, ये मैं शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाह। और अब मैं पानी ऐड करूंगी जितना मुझे चाहिए। और मैं इसको अराउंड 8 to 9 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाऊंगी। अगर आपकी दाल गलने में ज़्यादा टाइम लगाती है तो आप 10 से 12 मिनट के लिए भी प्रेशर लगा सकते हैं, क्योंकि हर इलाके की दाल का अपना हिसाब होता है। तो मैंने इसमें अराउंड 2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड किया है। तो मैं इसको अब लगाती हूँ प्रेशर फॉर अराउंड 8 to 9 मिनट्स। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि तड़का कैसे लगाएंगे। तो लें जी, इधर हमारा तड़का रेडी हो रहा है, जिसमें मैंने लहसुन के कुछ जवे लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। साथ में हरी मिर्चें हैं, साबुत गोल मिर्च है लाल वाली और साबुत जीरा। तो जब ये स्लाइटली से गोल्डन ब्राउन हमारा लहसुन होगा तो फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो लें जी, तड़का हमारा ये देखें कितना खूबसूरत सा हो गया है। तो जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया, साबुत 2 हरी मिर्चें, आप चाहें तो देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं, बटर का लगाएं, ऑयल का, जो आपको पसंद है। तो जी, ये क्या हरा धनिया मैंने फ्रीज किया होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और अब इसको हम मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच बटर का, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो चलें जी, और अब मैं इसको अराउंड 5 to 6 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे रखूंगी, ताकि हमारा तड़का जो है वो अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाए और ये बटर भी सारा मेल्ट हो जाए। लें जी, हमारे काले मसूर की दाल तैयार है। देखें जी, इसको तड़का भी लग चुका है और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी बने हैं। तो आई होप आपको मेरी ये क्विक एंड सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इंजॉय करें उबले हुए चावलों के साथ। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और सिंपल सी क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।